नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं दिन भर की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी बोले, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, पेट्रोल डीजल का पैसा नहीं भेजेंगे विदेश। राहुल गांधी पर सीतारमण का पलटवार, वित्त मंत्री ने कहा बजट पर ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, पहले होमवर्क करें। अब एयरफोर्स में परमानेंट होंगी महिला फाइटर पायलट, रक्षा मंत्रालय का अहम फैसला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट। नहीं टला ओमिक्रॉन का खतरा, WHO का अलर्ट, कई देशों में पीक आना अभी बाकी, पाबंदियों में ढील पड़ेगी महंगी। देश में नए सोच का नया संविधान चाहते हैं तेलंगाना के सीएम, बोले बीजेपी को हटाना जरूरी। कांग्रेस नेताओं को लगा बड़ा झटका, चुनाव से पहले नहीं होगी संगठनात्मक नियुक्ति। सीएम नीतीश पर भर से बाहुबली आनंद सिंह, कहा यूपी चुनाव के बाद गिर जाएगी बिहार सरकार। YouTube चैनलों को बंद करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और गूगल को दिया नोटिस। देश भर में खुलेंगे 23 टेली मेडिसिन मेंटल हेल्थ सेंटर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान की घोषणा। महिला फाइटर पायलट सैद्धांतिक तौर पर कर सकेंगी शौर्य प्रदर्शन, प्रायोगिक तौर पर हुई थी शुरुआत। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि नई आबकारी नीति में नहीं होगा कोई बदलाव, मार्च 2022 के बाद भी रहेगी जारी। पंजाब के विकास को गति दे सकता है बिना ब्याज ऋण, मध्यम उद्योग को भी मिलेगी राहत। हरियाणा में अभी लंबी चलेगी सर्दी, 3 फरवरी से पूरे हरियाणा में बारिश के आसार और बढ़ेगी ठंड। हिमाचल में होगी 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की तैनाती, आंगनबाड़ी वर्कर्स व 2 कोर्स करने वालों को मिला मौका। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मियों के कामकाज की होगी कड़ी निगरानी, हर महीने देनी होगी पोर्टल पर वर्क रिपोर्ट। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह बाहर, अजहरुद्दीन को मिली जगह। अखिलेश जयंत पर हमलावार सीएम योगी, कहा पहले एक दंगा कराता दूसरा तमाशा देखता था। मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा, विधानसभा अध्यक्ष को भी फिर नहीं मिला मौका। कानपुर हादसा में जांच टीम ने खंगाले हादसे वाली रात के सीसीटीवी फुटेज, अब कैमरे की लोकेशन पर सवाल। फॉर्म 12D भरेंगे तो घर मिलेगी वोटिंग की सुविधा, 80 वर्ष से ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं के लिए
अलीगढ़ में चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया विवादित बयान। बिजनौर में जनपद में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान, डीएम ने लगाया जागरूकता अभियान। फतेहपुर में आज संगीता की उड़ी धज्जियां, अतिक्रमण को लेकर भिड़े दो पक्ष। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मिली जमानत, गैंगस्टर एक्ट के मामले में मिली जमानत। मानपुरी से बसपा प्रत्याशी ने किया नामांकन, करहल व किशनी विधानसभा से दाखिल किया नामांकन। रायबरेली में दो दिवसीय दौरे पर अपर्णा यादव, सलोनी में जनसंपर्क करेंगी अपर्णा। संबल में बसपा प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाओं के जरिए मांगा जनता का समर्थन। अलीगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, स्कूटी सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल। अमेठी में भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया गौरीगंज विधानसभा से, बीजेपी ने लिस्ट जारी की, चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी को मिला टिकट। अमेठी में नदी में तैरता मिला युवक का शव, शारदा सहायक खंड 49 नहर में मिला शव, कोतवाली क्षेत्र के अनखरी गांव का पूरा मामला। बस्ती में 4 वर्षीय बच्चे का हुआ अपहरण, अपहरण कार्यकर्ताओं ने नेपाली पैसों की मांगी फिरौती, 2 साल पहले युवक से मांगे थे पैसे। फतेहपुर में भाजपा ने घोषित किया उम्मीदवार, जहानाबाद से राजेंद्र पटेल को प्रत्याशी घोषित किया, पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र पटेल। सपा ने 3 प्रत्याशियों की सूची की जारी, सरोजी नगर से अभिषेक मिश्रा सपा प्रत्याशी घोषित, फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य प्रत्याशी घोषित, सिराथू से पल्लवी पटेल सपा प्रत्याशी घोषित। प्रतापगढ़ में ठंड और कोहरे का प्रकोप, घने कोहरे से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, कड़ाके की ठंड से घरों में कैद हुए लोग। बस्ती में आजीविका मिशन में नई नियुक्ति, उच्च अधिकारियों को दिया गया ज्ञापन। बस्ती में पुलिस के हत्थे चढ़े चोर, मालवाहक ट्रक को बनाया निशाना। भाजपा प्रत्याशी ने दिया करारा जवाब, जनता ने किया अभिवादन। देवरिया में भाजपा से टिकट न मिलने पर विधायक ने जताई नाराजगी, विधानसभा सीट से विधायक के बेटे उतरे मैदान में। यादव ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, कांग्रेस अध्यक्ष रहे मौजूद। कुशीनगर में 9 दिवसीय विशाल महायज्ञ का समापन, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ने किया राम कथा का प्रासंगिक वर्णन। रायबरेली में चुनाव संहिता के दौरान नकदी ले जाने पर रोक, कार में बरामद हुए 1,75,000 रुपए।
संबल में विधायक को खुली चुनौती, प्रत्याशी शकील अहमद ने दिया बयान। अमित शाह के ऑफर पर जयंत चौधरी का आया जवाब, बोले मुझे नहीं बनना हेमा मालिनी। पीएम मोदी का आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर वर्चुअल भाषण, कानपुर में 10 जगह ही की प्रशासन व्यवस्था। टीवी पत्रकार को मिली धमकी, अखिलेश यादव के सहयोगी राजनीतिक दल के नेता पर लगा आरोप। मुनस्यारी और धारचुला में फिर शुरू हुई सेब की खेती, आईटीबीपी के जवानों ने भी तैयार किया बगान। उत्तराखंड की 70 सीटों पर शुरू हुआ भाजपा का महाअभियान, हर मतदान तक पहुंचने की कोशिश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट को बताया ऐतिहासिक और अभूतपूर्व। बजट 2022 से बदलेगी उत्तराखंड के शहरों की सूरत, सफर होगा सुगम। दून में चाकू, चौपर, तलवार लेकर घुसे घर में, परिवार की हत्या की कोशिश, 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। उत्तराखंड में बुजुर्गों को घर पर ही लगेगी प्रिकॉशन डोज, कोविड टीकाकरण के लिए प्रतिदिन चलाया जा रहा है महाअभियान। उत्तर प्रदेश की सीमा पर कार से 3 लाख, लालकुआ में करीब 2 लाख कैश बरामद। उत्तराखंड में कल भारी बारिश के आसार, पहाड़ के रास्तों पर जाने से बचे। उत्तराखंड में 45 महिला प्रत्याशी मैदान में, 2 जिलों में कोई महिला नहीं है प्रत्याशी। उत्तराखंड में पहाड़ के खेतों को मिली बजट के से खुराक, किसानों की आय होगी 2 गुनी। दिल्ली ने दिखाई पहाड़ी प्रदेश की उम्मीद, उत्तराखंड में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन से होगा फायदा। उत्तराखंड के उद्योगों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, बजट में नहीं योजनाओं के प्राविधान, के एमएसएमई क्षेत्र को विस्तार मिलने की है संभावना। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार शूटिंग के लिए पहुंचे मसूरी, बच्चों के साथ फिल्माया दृश्य। प्रियंका गांधी ने दून से भरी चुनावी हुंकार, कार्यकर्ताओं से कुछ ही देर में करेंगे संवाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ बोले, उत्तराखंड के लाखों बेरोजगारों को बजट में कुछ नहीं। पांच साल तक के बच्चों को टीकाकरण के लिए पीफिजर और बायोएनटेक ने मांगी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। म्यांमार में तख्ता पलट की पहली बरसी पर प्रदर्शन और हिंसा, 1 साल में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत।
रूस ने की पश्चिमी देशों के संग प्रेस वार्ता की पेशकश। यूक्रेन ने सैन्य ताकत बढ़ाने का किया ऐलान। यूक्रेन पर वोटिंग में अनुपस्थित रहने पर रूस ने भारत समेत इन अन्य देशों को कहा धन्यवाद। कहा अमेरिका दबाव के आगे नहीं झुके। अमेरिका के फर्टिलाइजर प्लांट में आग। यहां 600 टन अमोनियम नाइट्रोजन मौजूद। आसपास के रहने वाले 6000 लोगों को निकाला गया। पेगासस के जरिए नागरिकों की जासूसी के मिले सबूत। इजराइल पुलिस ने दिया बड़ा बयान। विंटर ओलंपिक के पहले चीन की करतूत। सोशल एक्टिविस्ट को घरों में कैद किया। लाखों सोशल मीडिया अकाउंट बंद। महिलाओं से मारपीट। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। अमेरिकी सांसद ने पाक राजदूत को बताया जिहादी और बेईमान इंसान। नियुक्ति खारिज करने की गई मांग। अमेरिका में कोरोना का कहर। जनवरी में 35 लाख से ज्यादा बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। सऊदी अरब में मनाया गया पहला योग फेस्टिवल। जुमान पार्क में देश के पहले योग उत्सव का किया गया आयोजन। बजट 2022 की एसबीआई चेयरमैन ने की तारीफ। कहा दुनिया में भारत की विकास संभावनाएं बढ़ेंगी। इंडियन पासपोर्ट रखने वालों के लिए खुशखबरी। 69 देशों में बिना वीजा कर पाएंगे यात्रा। शेयर बाजार में बजट 2022 ने बढ़ाई रौनक। इस हफ्ते निवेशकों को हो रहा मोटा फायदा। नीति आयोग उपाध्यक्ष को भाया बजट। किरण शाह बोली मिडिल क्लास निराश। जिरोधा सीईओ ने बताया इसे अच्छा। क्रिप्टो पर भारी भरकम टैक्स। क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई पर सरकार कैसे टैक्स वसूलेगी। एससीजे एक्ट की जगह नया कानून आएगा। एससीजे कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म भी लागू होगा। शक्ति प्लान से बदलेंगे रेलवे। नेशनल हाईवे की शक्ल या मास्टर प्लान देश के इकोनॉमिकल चेंज के लिए किया गया है तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या और नीरव मोदी को लेकर कही बड़ी बात। अगर पैसे देने को तैयार तो मामला रफा दफा करने का विचार क्यों नहीं। पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से मोबाइल होंगे सस्ते। चार्जर और स्मार्टवॉच की कीमतें भी होंगी कम। बजट 2022 में घोषित हुई इनकम टैक्स से जुड़ी चार बड़ी फायदे की बातें। टैक्स पेयर को देगी बड़ी राहत। विराट कोहली के खास खिलाड़ी ने खोला राज। बताया आईपीएल की पहली कमाई से क्या क्या खरीदा। यश धूल ने कहा हमारी असली चुनौती वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगी। बताई बड़ी वजह। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान जाने को लेकर जोश। हेल्बर्ट वुड ने जताई चिंता। दिया बड़ा बयान।
श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में डे नाइट टेस्ट खेल सकता है भारत, बीसीसीआई कर रहा है तैयारी। अहमदाबाद पहुंची वेस्टइंडीज की टीम, 6 फरवरी से खेली जाएगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। टीमें लगाएंगी जमकर बोली। धोनी, रोहित व कोहली के किस गुण को अपनाना चाहते हैं, हार्दिक पांड्या ने खुद किया खुलासा। U19 WC में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया। गुजरात क्रिकेट संघ का बड़ा फैसला, बिना दर्शकों के खेले जाएंगे वनडे मैच। जोफ्रा आर्चर का यू टर्न, 2022 आईपीएल का नहीं होंगे हिस्सा, फिर भी ऑक्शन के लिए भेजा नाम, कोहली की चोट से है परेशान। सलमान खान के वर्कआउट सेशन की तस्वीर हुई वायरल, फैंस ने कहा वापस आ गया सुल्तान। सुनील शेट्टी की फिल्म बॉर्डर और धड़कन के रिमेक में काम करना चाहती है हाना शेट्टी, कहा फिल्मों का हिस्सा होना बेहद दिलचस्प होगा। नागिन 6 की दशक के बीच खबरों में एकता कपूर का नया रियलिटी शो कंगना रनौत के होस्ट करने की चर्चा। जैस्मिन भसीन पर चढ़ा कच्चा बादाम का बुखार, डांस वीडियो देख बोले फैंस कहां से आती है इतनी क्यूटनेस। धनुष से तलाक के बाद एक्स वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत हुई कोरोना संक्रमित, खुद शेयर की शकड़ी। प्रभास की राधे श्याम की नई रिलीज डेट का हुआ ऐलान, अब 11 मार्च को पर्दे पर होगी रिलीज फिल्म। यामी गौतम इस साल अलग अलग रोल में आएंगी नजर, कई फिल्म में दिखाएंगे अपने दमदार अदाकार। तेजस्वी प्रकाश का नागिन 6 के सेट पर दिखा था एथनिक लुक, फ्लॉन्ट किया अपना ट्रेडिशनल अवतार। कपिल शर्मा ने बेटे के बर्थडे पर लिखा प्यारा नोट, अनदेखी तस्वीर शेयर कर मांगा त्रिशान के लिए आशीर्वाद। कियारा आडवाणी को नीले सूट में देख लोग हुए दीवाने, बोले उड़ गई दिल की पतंग। तो ये रही देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।